सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण रोहिला और मैं अंबरनाथ महाराष्ट्र में रहता हूँ। मुझे बांसुरी बजाने का बहुत शौक़ है और पिछले कुछ सालों से मैं इसका रियाज़ भी कर रहा हूँ। हालांकि इसमें महारत हासिल करने के लिए अभी और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत बाकी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथों में एक बहुत ही अनोखी और विशेष बांसुरी है। यह बांसुरी सी नेचुरल मीडियम है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रंग साधारण बांसुरी से एकदम अलग है। इससे पहले मैं इसके बारे में और विस्तार से बताऊं, मैं विनायक जी, जो कि जिन्होंने इस फ्लूट का निर्माण किया है, जो राजस्थान में रहते हैं, उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद, जो उन्होंने इतने कम समय में राजस्थान से महाराष्ट्र ये बांसुरी मुझ तक पहुँचाई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थ्रेड कलर मुझे बहुत पसंद आया, ये रेड और हल्का हल्का ऑरेंज का कॉम्बिनेशन इस डार्क बैम्बू पे बहुत अच्छे से निखर के आ रहा है। डार्क बैम्बू पे आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती थ्रेड की, तो मैं बहुत खुश हूँ। इस फ्लूट को फ्राई बैम्बू फ्लूट के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रंग थोड़ा गहरा है और इसे एक विशेष ही प्रकार की विधि से बनाया जाता है। इसे हीट और ऑयल का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे मानते हैं कि इसकी अंदर की जो मॉइस्चर होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि मौसम बदलने के हिसाब से इसमें सुरों का ऊपर नीचे होने की गुंजाइश बहुत कम होती है और इससे इसकी ओवरऑल लाइफ भी बढ़ती है। बांसुरी की टोनल क्वालिटी और सुर एकदम परफेक्ट है। विनायक जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई कमी नहीं है। और क्योंकि ये बांसुरी की सबसे मेन क्वालिटी होती है कि उसकी आवाज़ और उसके सुर, तो इस लिहाज से मैं बहुत ही खुश हूँ। और चलिए, मैं आप सभी को एक छोटी सी सरगम और दो भजन सुनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कहीं कुछ भूल चुक हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी आवाज़ ज़रूर पसंद आएगी।